उस इंसान का नाम है जफर अली बलोच। जफर अली बलोच जो आज तक भी इसके बच्चों की डीपी लगाता है, जो इसका सर दबा रहा है। जब इसके सर में दर्द होता था तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती थी, वो इस भगोड़ी का माथा दबाता था, इस भगोड़ी का सर दबाता था। और ये भगोड़ी एक बॉयफ्रेंड के साथ और बैठी है, वो बॉयफ्रेंड भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बिना स्किप करे वीडियो देखें। आज मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ज्यादा तरोताजे सबूत, जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि हाँ हमारी रिसर्च भी कुछ अच्छी है। जिसकी ना जाने कब से तलाश थी, आखिर आज वो तलाश पूरी हो ही गई। क्या वो तलाश थी वो हम आपको आगे बताएंगे। और जो लोग सोचते थे, ये भगोड़ी सोचती थी कि तेरे और मजीद सबूत किसी के हाथ नहीं लगेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में थी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाना चाहती हूँ। मैं इसको आपका असली आशिक, आज तक बहुत आशिक आए वो भी असली थे, मैं उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करूंगी। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सबूत, वो वीडियो को आखिर तक देखिए। उसके लिए आपको सबूत देखने के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। क्योंकि वो सबूत जिसमें सीमा हैदर के झूठ के नए नए सबूत लेकर, सीमा हैदर का झूठ का जो प्रोपोगंडा है उसका खुलासा करने के लिए, तो वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें। दो बकौल सीमा हैदर के कि मैंने गुलाम हैदर से शादी की थी मजबूरी में, और जो मेरा तो सच्चा प्यार सिर्फ सचिन है और सचिन ही मेरा रहेगा, ठीक है, ये मेरा सच्चा प्यार है और इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, ये कहना है सीमा हैदर का। लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखा रही हूँ, उस वीडियो को देखिए कैसे आराम से सर दबवा रही है, और देखो एक दूसरा आशिक है उसके साथ कैसे आराम से बैठी हुई है, प्लीज जरा आप देखें। तो आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहे होंगे, आप इन्हें देखते भी रहिए और मेरी बातें भी सुनते रहिए। तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो भाई अब क्या कर सकते हैं बताएं, बताओ अब क्या कर सकते हैं भाई, है कुछ सिर पैर है कुछ इसके, पता चला। और सीमा हैदर सुन, अब झूठला ही नहीं, जितना झूठलाया जा सकता हो झूठला। और सुनो एक बात और बता दूं, जब ये गुलाम हैदर के साथ भागी थी ना, तब भी इसका जो परिवार है वो पूरी तरह से परेशान हो गया था, रातों को ढूंढता फिर रहा था वो, इसका पूरा का पूरा परिवार, ठीक है। लेकिन जब वो गुलाम हैदर से मिले, उन्हें लगा चलो ये तो अच्छा खुददार इंसान है, उसके बाद इन्हें थोड़ा सबर आया। और इसकी माँ बाप मरने की वजह भी और कोई नहीं है, इकलौती भगोड़ी हैदर है, ये बात आप याद रखना। ये औरत वो धब्बा है, वो बदनुमा धब्बा है जो हर पेरेंट्स हर भाई बहन सोचते हैं कि हमारे घर में कभी पैदा ना हो, ठीक है, ये वो बदनुमा धब्बा है। आप देखें इसकी पूरी की पूरी मैं आपको हिस्ट्री दिखा रही हूँ, पूरी की पूरी मैं वीडियोस आप लोगों को दिखा रही हूँ, कैसे ये सर दबवा रही है, कैसे ये अपनी माता पच्ची करवा रही है, कैसे ये ओए हाय हाय कैसे बैठी है ये मुल्ली, कैसे मेहंदी मेहंदी हाथों में लगाए, आप लोगों को तो नजर आ रहा होगा, आप देखें, ठीक है। और मैं उस इंसान की आईडी भी शेयर कर रही हूँ यहाँ, आप देखें अभी अभी जब हमने उससे बात की, ठीक है, कविता मैम ने जब उससे बात की, मैंने तो नहीं की, तो वो क्या करता है, वो पहले तो डीपी लगा के रखता है हैदर की बेटी की, ठीक है, और ये सारी पोस्टें उस पर डाल के रखता है। और जब कविता मैम उसको फोन मिलाती है, उससे बातें करती है, तो वो सारी, उसने कहा कि भाई, फिर एकदम से वो डर जाता है, सारी की सारी वीडियो फोटोज डिलीट कर लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सारी वीडियो सेव कर ली थी, सारे फोटोज सेव कर लिए थे, ठीक है। तो वो सोच रहा होगा भाई क्या है ये, क्यों है ये, तो अब आप भी इसको देखें। और भगोड़ी अब जब आप देना, अब बोलना कि तू इसको नहीं जानती और जो सर दबाया जा रहा वो इसका नहीं है, बोल देना एआई से बनी हुई है। अरे एआई से ऐसी वीडियो कोई बना के तो दिखाए, कोई बना के तो दिखाए एआई से, मैं सब कुछ हारने के लिए तैयार हूं, एक बार कोई एआई से ऐसी वीडियो बना दे, ठीक है। और सुन मैं तेरे सबूत चला रही हूं, करवा मेरे ऊपर अपने भैया से एफआईआर, कोई नहीं डरता तेरे भैया से, तेरे भैया से तो, भैया से तो खुद की उसकी बीवी ना डरती होगी, हम तो क्या ही डरेंगे, ये भी याद रखना, पूरे भारत के अंदर तेरे भाई से कोई नहीं डरता, ये कड़वी सच्चाई मैं तुझे बता रही हूँ। और जो तू बोल रही है ना, मेरा भाई बहुत ज्यादा सहनशील है, जिंदा दिल है, वो मुर्दा दिल है, और सहनशील का सह क्या होता है उसको कुछ नहीं पता, और शालीनता सहनशीलता क्या होती है उसे कुछ नहीं जानता वो, ठीक है। और ये वही है जिसने निर्भया कांड में उस लड़की को भी बदचलन बताया था, जबकि उस मासूम बच्ची का कोई कसूर भी नहीं था, पूरा देश उसकी हालत देख के रोया था, आया समझ में। तुझे तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, तू हमसे तो पूछ के देख एक बार,
हम तो पूरा इतिहास जानते हैं सीपी सिंह का, आई समझ में। और ना थाना ना कचहरी, सीधा चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय, राज्यसभा, बहुत लंबे लंबे तार जुड़े हुए हैं इसके। हाँ आया समझ। तो हमें तो बिल्कुल ना बेवकूफ बनाने की कोशिश भी ना करना और बेवकूफ बनाने के बारे में सोचना भी ना, ठीक है। और रही दूसरी बात, ये सिर्फ तुझे बेवकूफ बना सकता है। मैं हर रोज वीडियो में आती हूँ, हर रोज बोलती हूँ कि ये तुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन तू है कि तुझे कोई समझ में ही नहीं आता, तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही बातें। अब हम क्या ही कर सकते हैं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी बट आई हैव टू से। आया तुझे समझ? और सुन 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 सुन, इसे झुटला के दिखा, ये जो स्क्रीन पे तुझे दिखाई दे रहा है इसे झुटला के दिखा। तू तू तो रीमा को झुटला गई, तुझे तो पीएचडी हासिल है झूठ बोलने में, तेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है झूठ बोलना। ना जी ना, तेरे लिए तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तू तो, तुझे तो बहुत इजी गोइंग लगता है, बहुत इजी टारगेट लगता है कि कोई भी सबूत सामने आ जाए। ये तो मेरे मैं हुई नहीं, मतलब भगोड़ी। तेरे को ऐसा लगता है कि हम तेरे लिए एआई खरीदेंगे, एआई में पॉइंट्स देंगे, एआई को हम खरीदेंगे तेरे लिए वेस्ट करेंगे अपना। क्या सोच है रे तेरी है? और तू क्या कह रही थी, मैंने मेरे भाई से बोल दिया कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। अब चुप, तेरा भाई कुछ नहीं कर सकता। तेरा भाई हेमंत कृष्ण परासर पे मुकदमा डाल दिया, मोमिन मलिक पे मुकदमा डाल दिया। अबे भगोड़ी, अभी तो ये सारे सबूत हम मोमिन मलिक को भी देंगे, हेमंत कृष्ण परासर जी को भी देंगे। अभी तो तू देख हम क्या क्या करते हैं, और भी तेरे सारे सबूत आने लग रहे हैं सामने, धीरे धीरे रिवील होंगे। आई समझ में? तो दोस्तों आपको कैसी लगी भगोड़ी का नया, क्या बोलूं, क्या नाम दूं मैं इस रिश्ते को? वो आप ही नाम दे दें प्लीज, कमेंट सेक्शन में आके इतनी सी मेहरबानी कर दें, इस रिश्ते को आप ही कोई नाम दे दें, क्योंकि ये भगोड़ी तो ना बिल्कुल ना मानने वाली है, बिल्कुल ये तो झुटला देगी एक मिनट में। और सुन, तू झुटलाती जा, हम खोद खोद के निकाल के लाते रहेंगे। तो झुटला तेरे को कितना झुटलाना है, आया समझ, कितना झुटला सकती है तू, हम भी तो देखें कि कितना झुटलाती है तू। तू कुछ नहीं झुटला सकती, औकात नहीं है तेरी, आया समझ। और सुन 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 सुन, मेरी बिंदी पे सवाल उठाते हैं, मेरी मांग भरने पे सवाल उठाते हैं, मेरे मंगल सूत्र पे सवाल उठाते हैं। भगोड़ी, हम सिर्फ तुझ पे सवाल उठाते हैं, ठीक है। और जिस सिंदूर की कीमत, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तू क्या जाने रे भगोड़ी, ये तो भारत की महिलाओं से पूछ क्या होती है सिंदूर की कीमत, आया समझ। तू नहीं समझेगी इस चीज को कि क्या होती है सिंदूर की कीमत। आप देखें इसकी पूरी की पूरी, मैं आपको हिस्ट्री दिखा रही हूँ, पूरी की पूरी मैं वीडियोस आप लोगों को दिखा रही हूँ, कैसे ये सर दबवा रही है, कैसे ये अपनी माता पच्ची करवा रही है, कैसे ये ओए हाय हाय कैसे बैठी है ये मुल्ली, कैसे मेहंदी मेहंदी हाथों में लगाए, आप लोगों को तो नजर आ रहा होगा, आप देखें, ठीक है। और मैं उस इंसान की आईडी भी शेयर कर रही हूँ यहाँ, आप देखें। अभी अभी जब हमने उससे बात की, ठीक है, कविता मैम ने जब उससे बात की, मैंने तो नहीं की, तो वो क्या करता है, वो पहले तो डीपी लगा के रखता है हैदर की बेटी की, ठीक है, और ये सारी पोस्टें उस पर डाल के रखता है। और जब कविता मैम उसको फोन मिलाती है, उससे बातें करती है, तो वो सारी, उसने कहा कि भाई, फिर एकदम से वो डर जाता है, सारी की सारी वीडियोस फोटोज डिलीट कर लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सारी वीडियोस सेव कर ली थी, सारे फोटोज सेव कर लिए थे, ठीक है। तो वो सोच रहा होगा भाई क्या है ये, क्यों है ये। तो अब आप भी इसको देखें, और भगोड़ी अब जवाब देना, अब बोलना कि तू इसको नहीं जानती, और जो सर दबाया जा रहा वो इसका नहीं है, बोल देना एआई से बनी हुई है। अरे एआई से ऐसी वीडियो कोई बना के तो दिखाए, कोई बना के तो दिखाए एआई से। मैं सब कुछ हारने के लिए तैयार हूं, एक बार कोई एआई से ऐसी वीडियो बना दे।